अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ महरीन और आप देखते हैं मेरे चैनल पर डिफरेंट रेसिपीज़, टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज़। और आप लोग पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को, कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मेरा जो एक टारगेट है उसमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट आप लोगों ने ही कंप्लीट करना है। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें इजाफा हो आपकी सपोर्ट से। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब वो वीडियो सबसे पहले शो करता है जिस पे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और जिस पे लाइक्स ज़्यादा होते हैं। तो लाइक कर दिया कीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि गाजर का अचार कैसे बनाएँ, मैं किस तरह से बनाती हूँ घर में ही बनाकर और घर में ही इंजॉय करती हूँ। बाज़ार से महंगे महंगे अचार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप चाहते हैं आपका गाजर का अचार भी इसी तरह से बनकर रेडी हो। और हर टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक ले लेंगे बाउल साफ़ सुथरा सा। इसमें पहले हम मसाले मिक्स कर लेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, जो जो इसके अचार में मसाला शामिल होता है वो। तो इसमें जो सबसे पहले जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है साबुत धनिया 1 चम्मच, सौंफ 1 से 1.5 चम्मच, और मेथी दाना 1/2 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच राई। और इन सब मसालों को अब मैं भून लूँगी, रोस्ट कर लूँगी हल्की आंच पे, तवे पे या फ्राई पैन में। इसका ये रोस्ट हो गया है या नहीं ये ऐसे पता चलेगा कि आपको इसकी बहुत अच्छी से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और इसमें से स्मोक यानी धुआं भी निकलना शुरू हो जाएगा। जलाना नहीं है मसाले को, बस रोस्ट करना है। अब ये रोस्ट हो चुका है, मैं अब इसको दरदरा सा पीस लूँगी, कुटा हुआ पीसना है इसको, बारीक ग्राइंड नहीं करना है। तो ये ले जी, मैंने इसको मशीन पे रख कर और ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर मिक्सर में। और बस थोड़ा रोक रोक के चलाएंगे तो आसानी ये दरदरा सा पिस जाएगा। ये देखें, ये काफ़ी मोटा मोटा सा पिसा है। और मैंने इसमें मेथी दाना 1/2 चम्मच इसलिए लिया है क्योंकि अगर मेथी दाने की मकदार ज़्यादा होगी तो वो कड़वा हो जाएगा सारा मसाला। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ही नमक ये शामिल करेंगे। ये पिसा हुआ मसाला हम बाद में शामिल करेंगे क्योंकि ये पिसा हुआ, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि नमक में थोड़े से ढेले बने हुए हैं, तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से लेवल कर लिया है। ये हो गया हमारा मसाला रेडी, ज़बरदस्त सा, बहुत अच्छी खुशबू आ गई है इसमें। अब हम अपना तेल यानी ऑयल रेडी करेंगे। 1 कप मैंने यानी 1 बाउल मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको हमने फ्राई पैन में गरम कर लेना है, इसको पका लेना है ताकि इसकी हीट निकल जाए और ये कुक हो जाए। इसका कुक हो जाने का पता ऐसे चलेगा कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा बस। तो फिर ये कुक हो गया। अब हमने इसको किस जार में रेडी करना है, ये शीशे की बॉटल ली है। शीशे की बॉटल के 2 फ़ायदे हैं जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमने गाजर ले ली थी, 2 से 3 गाजरें ले ली थी, इसको छील के धो लिया था और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, खुश्क कर लिया था, स्ट्रेनर में रख के थोड़ी देर पानी सारा निकल गया। फिर हमने इस गाजर को शीशे के जार में डाल देना है, आप प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हैं। मैं शीशे का जार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें एक तो हीट सूरज की रोशनी बहुत तेज़ी से ये गर्म हो जाती है बॉटल, और फिर देर तक गर्म रहती है। तो हमने अचार को दरअसल इसमें पकाना है, हमने गाजर को पहले से गलाया नहीं है। अब हमने ये मसाला डाल दिया है और इसमें हम मसाला ना जाए तो आप इसको थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा ताकि सारा मसाला चला जाए। आप प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने शीशे की बॉटल इसलिए ली है क्योंकि मैं गर्म गर्म तेल यूज़ करूँगी। अब अगर आप प्लास्टिक की बॉटल लेंगे तो आपको फिर तेल को ठंडा करना पड़ेगा। आप अगर गर्म तेल डालेंगे ना तो ये हाफ़ कुक हो जाएंगी गाजरें उसी वक्त, गर्म गर्म तेल में गाजरें कुक होना यानी इनका कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मैंने 1 चम्मच कलौंजी डाली है, ये पिसी भी नहीं है, ये
दाने वाली, ताकि ये जो है अच्छा सा इसका गाजर के अचार में लुक भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हाफ कप मैंने सिरका ले लिया है, सिरका बहुत ज़रूरी है, सिरका गलाता है अचार को, यानी गाजरों को गलाने का काम करेगा सिरका। तो ये जो टिप्स होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने गरम गरम तेल है ना, ये इसमें डालना शुरू कर दिया है, जैसा कि इसकी धुएं से और इसकी बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर आप प्लास्टिक की बॉटल लेते तो ये आप गरम फिर तेल इसमें नहीं डाल सकते थे। अब हमारे गरम तेल की वजह से गाजरें पकना स्टार्ट हो चुकी हैं, कुकिंग प्रोसेस इनका शुरू हो चुका है। अगर ये ना जाए तो आप चम्मच की मदद से स्पेस बनाइए और फिर इसमें डालना स्टार्ट कर दीजिए। जगह बहुत है अंदर, लेकिन क्योंकि हमारी बॉटल है, मैंने पहले किसी बाउल में इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ही मिक्स करना ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप बॉटल में ही सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो आपका मसाला वगैरह ज़ाया नहीं होगा, और दरअसल हमने इसको इसी में ही पकाना है। इस अचार को हम रख देंगे 2 से 3 दिन, 3 दिन की धूप लाजमी दिखानी है आपको, सूरज की रोशनी, ताकि अचार पक जाए। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसका ढक्कन लगा के कवर करके मैं अच्छे से शेक कर लूँगी, हिला लूँगी, क्योंकि तमाम मसाले वगैरह यकजान हो जाएँ, गाजर में भी रच बस जाएँ और ये मिक्स हो जाएँ, सिरका ऑयल और मसाले गाजर से मिक्स हो जाएँ। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसको सूरज की रोशनी में रखना कैसे है कि ये ब्लैक कोई क्लॉथ ले लें, काला कपड़ा, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करता है। इसको उसी ब्लैक पट्टी से बांध लें, या एक और ऑप्शन हमारे पास है कि इसको रबर बैंड से लगा के भी बांधा जा सकता है। अगर आप काली पट्टी यूज़ ना करना चाहें तो रबर बैंड लगाकर इसको सिक्योर कर दें। अब यहाँ आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑयल गाजरों से नीचे ना रहे, गाजरें ऑयल में डूबी रहें। अगर कम हो जाए तो डाल दीजिएगा, वरना गाजरें ख़राब होने का ख़तरा है। 3 दिन की धूप दिखा के फ्रिज में स्टोर कीजिए, और स्टोर करके जब दिल चाहे तब अचार निकालें और लुत्फ़अंदोज़ हों, इंजॉय करें। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, महरीन साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।